मैं छोटा हुआ नकल ऐसे क्यों गया या भाई का दोच क्यूट क्यूट मतलब ये मल्टीपर्पज है, राइस कुकर भी और बाकी चीजें भी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर केलू जमलू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मजे में होंगे और खैरियत से होंगे। अगर नहीं है तो 100% इस व्लॉग के बाद इसमें मेरा हाथ भी टूटा होगा और आपको मजा भी आया होगा। अभी मैं और मेरे साथी खा रहे हैं केला जैसे हाथी और सब जा रहे ससुर का नाती। हम जा रहे हैं पहलगाम माती और वहाँ पे बहुत मजा आती और आपको एंजॉय कराती। और हमारे साथ यहाँ पे सलमान, फहीम, यावर और फैसल भाई। सलमान के मुंह में है केला। मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ, पहलगाम को थोड़ा सा नजदीक ले आओ, थोड़ा सा श्रीनगर की तरफ, थोड़ा सा स्मार्ट सिटी में जोड़ लो ना। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। तो गाइस अभी हमने अपना सिर जो है वो गुफारा में घुसा लिया है और हम पहुँच गए हैं सिर गुफारा। ये देखिए सिर गुफारा। ओए कटो, तुम इसे सब्सक्राइब किस किसने किया है? केला जा बहुत तबूड़िया था मारिया था ना कीड़िया तबूड़िया था नाड़िया था ना पहलगाम जाके मुझे ऐसे करना। ओए ओप ओ बेदर्दे यावर दुखी मत लगा, यहाँ सलमान बैठा। सलमान प्लीज रोना नहीं सलमान। सलमान 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 तो फ्रेंड्स अभी हम पहलगाम पहुंचने वाले और यहाँ पे खोपरा एक्सचेंज कर दिया भाई ने और पता भी नहीं चली। ये देखिए मुझे भी दो, बटवा था ताऊ कीर का, इसको पता ही नहीं है। बस 4 किलोमीटर बचे हैं और पहलगाम पहुंच के हम आपसे अच्छे से बातें करेंगे। तब तक के लिए हम इधर ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं। आज के स्थान पहलगाम या अजिम कमाई हुआ यहाँ जो पदर था वो इस पहलगाम फिक्र तारोस। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है पर हजार बीमारियों की जड़ है। जी ले तू इस पल को यहाँ मेरे यारो, जी लो तो फ्रेंड्स अभी हम पहलगाम पहुंच गए और सबसे पहला काम हम करने वाले चाय पियेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा जो बॉडीगार्ड है, जो मेरा प्राइवेट पर्सनल बॉडीगार्ड है, उसकी गर्दन पे हम सनस्क्रीन लगाएंगे। उसके लिए हमको हाइट बढ़ानी पड़ेगी। मुझे इतना मारा ना, बॉडीगार्ड फॉलो मी। दो है दो, ओए यावर दस दे 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 दो, छोड़ा वो सनस्क्रीन सन प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। मे पे कैमरा एडजस्ट कर हाइट जिन हाइट योगे अंदर अब अंदर के बाद क्या करना है? देखकर छोटू फट जाएगा ये। नाइस टैलेंटेड बॉय। अच्छा क्यों गया ये सुजुक ना गारा आसे वाला बाबा ने नहीं जरा सुबह ने थाव भाई सर में घोड़े है घास है। हां देख कितना बड़ा मांग, ठीक है लेदर वाट में दूर है। हाँ। ट्रैफिक है। हाँ। और वैली में कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि वापस जाना है। हाँ। है ना, वहां बचता है बेता वैली। बेता वैली मैं अभी बेता वैली के लिए बहुत बेताब हूं। बेता वैली के दो बोट है,
ये बोल रहे जाएंगे लिदरवट, ये बोल रहे औरू वैली, ये बोल रहे घर जाएंगे। झूले वहाँ पानी है वही जाएंगे। So right now we have ordered some chola paratha and we're going to eat this chola paratha and then we'll leave to some other place, okay? Just give me the review out of 10. How much do you rate this chola paratha? 6? You a liar, you filthy liar. This is not even 3. Salman, kaisa hai? Bahut bhook lagi hai, 10 out of 10. भैया ये क्या है भैया, बर्थडे की टोपी जैसा? ये डोसा है। डोसा ये किसका बनता है? ये आटे का बनता है। आटे का, ये जो बना रहे हो? हाँ जी, यही वाला। ओ डोसा, नाइस। मसाला डोसा है ये। बढ़िया बढ़िया। गाइज अभी हम जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे ऑल्टो है। इसमें इन फैमिली ने अपनी माँ को डिक्की में रखा है, खुद आराम से बैठे हैं। मोचे आँखे मोजी आसान। माँ की कदर करो, माँ की जगह डिक्की में नहीं, फ्रंट सीट पे। आई एम रियली अपसेट आफ्टर सीइंग दिस ऑल्टो, लेट्स गो। हार्ट रेंचिंग सीन इन फ्रंट ऑफ मी। अगर मेरे सामने बागवान होती ना उतना नहीं रुलाती जितना मैं लाइव रो रहा हूँ। वाओ क्या रो रहा है भाई। ऊपर से सब्जी भी थमाई इस माँ के हाथ में, बेवकूफ लड़के। यो 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 शॉर यो इश्बर यो 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 बागय बंडपुर तैतिया करम गंड चोर। बागय बंडपुर तैतिया करम गंड चोर। ये देखिए गाइस यहाँ पे सड़क ही खिसक गई है। मे अल्लाह प्रोटेक्ट एवरी ट्रैवलर, एवरी टूरिस्ट एंड एवरी human being passing this, every cat and every bakri, every human being and every individual, every kind of animal, you know. Korthak til bagarai vare chake vare sare 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 korthak til bagarai yaar yahan se jaldi nikal meharbani karke। सलमान लाई लाई लड़की की आवाज सुन के ही जाग गया इसका जानवर है। विकी कशन क्यूट सा सब्सक्राइबर, आपका नाम क्या भाई? फाजिल। फाजिल कहाँ से हो? कश्मीर से। हमारी वीडियोस देखते हो? हाँ जी। मुझे बोला आपका सबसे फेवरेट व्लॉग कौन सा है? इसमें आप मोजा फाड़ता हूँ। अभी फाड़ू आपके सामने मोजा? नहीं। फाड़ू? नहीं। अच्छा इसको जानते हो? नहीं जानते हो? जली ना। मुझे और मेरे भाई को जानते हो? बस उसको जानते हो, व्हाइट टी शर्ट वाले को? इसको भी नहीं जानते। तो फ्रेंड्स अभी हम आरू वैली पहुंच गए। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम बेता वैली क्यों नहीं, मुझे बेता वैली जाना था। इन्हें बोला वहाँ ट्रैफिक होगा। आरू वैली आए कौन सी? अच्छा वो, हाँ वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था एक बार। ओए बेड़ो, तुम में से ईद पे कौन कौन कुर्बान होगा? तू भी? अरे तू तो अभी छोटा है, और कौन होगा? अरे तू छोटा है, तुझे नहीं होना है कुर्बान। अल्लाह क्या भाई का दोच, क्यूट क्यूट लाई यू तो ना छुना इंसान भजन मोहब्बत करा। ओ बड़ी ईद पे अपनी नाठिन कौन देगा मुझे? अच्छा तू देगा? थैंक यू लाइक गुड ब्रटन खोलने देना सुन सुन रोड पर प्लीज। फ्रेम कैमरा ले जावर। गिराना नहीं। ब्यूटी पाय अच्छा है। और इसकी मम्मा कहाँ? अच्छा ये है इसकी मम्मा। कितने दिन का है ये? 6 दिन का बच्चा है। मैंने हफ्ता बोला। ओके ये कितने दिन का है ये वाला? ये अभी 8 दिन हो गया। ये 8 दिन का है? हाँ अभी चल भी नहीं पा रहा है ठीक से। हाँ 100 गाइस 200 गाइस 300 गाइस अभी आपको पता है हम आरू वैली में है और हमें मन बेता वैली का था। लेकिन आरू वैली अगर आपको आना होगा ना,
अगर आपको आरू वैली आना होगा तो आपको या तो कैंपिंग पे रात को आना है या तो नहीं आना है, या तो ट्रैकिंग पे आना है। पिकनिक वाला मजा बेता वैली में ही है ना। और मैं गला फाड़ के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है और अभी हम नहाने वाले, क्योंकि जब तक हम नहाएंगे नहीं तब तक हमारी फ्रस्ट्रेशन और गर्मी दूर नहीं होगी, है ना यार। पानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ठंडा है और फहीम बोल रहा है कि मैं उतरूंगा पानी में, जरा उतर के दिखा। चल उतर उतर प्रोफेसर। शाबाश। तो फैमिली अभी बहुत ज्यादा मजा आया, हमें ठंडे पानी में बहुत ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन मैं आप लोगों को भी इस पानी में लेना चाहता हूँ, आप लोगों को भी ठंडा ठंडा फील कराऊंगा। चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ और आपको भी थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल फील कराऊंगा, क्योंकि आपको गर्मी से बहुत मजा आ रहा होगा, गर्मी बहुत अजाब हो रहा होगा। तो चलिए आइए बैठिए। बिग बॉस मुझे हॉट हो रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मोड़ हो गया, मोड़ हो गया। गाइज अभी हमने वहां पे नहाया, बहुत ज्यादा ठंडा पानी था, लेकिन अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, हम सीधा ग्लेशियर पे जा रहे हैं। ये देखिए सामने ग्लेशियर है, हम वहीं पे नहाएंगे और मजा करेंगे। चलिए चलते हैं और इन बेड़ों को भी नहलाते हैं। एनी गाइज पहुंच गए, आप देख सकते हैं ग्लेशियर और ग्लेशियर के पास का पानी कितना मजेदार लग रहा है, एकदम बढ़िया। यहाँ पे सलमान बोरिंग इंसान, ना नहा रहा है ना कुछ कर रहा है। कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में। तो फ्रेंड्स अभी हमने नहाया वहाया किया और बहुत मजा आया, ठंडा ठंडा कूल कूल हो गए। और यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिविश लड़का एक है, ये ग्रुप है जिविश, यहाँ पे हिब्रू में प्रेयर कर रहा है, यहाँ पे ऐसे किताब पकड़ते फिर ऐसे से कुछ पढ़ते। ओ छोटू देखो मैं कुछ बोलूंगा, ओ टूर ना टूर है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जाओ, है ना, गुस्सा मत चढ़ाओ भाई, तू पीता है मिनरल वाटर, ये उससे अच्छा है। गाइस सलमान बोल रहे हैं साफ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, आप मुझे कमेंट से बोलना मैंने पी के अच्छा किया नहीं किया, मेरा दिल कहता है साफ है। आप मुझे कमेंट से बोलना है साफ है कि नहीं, मुझे तो लगता है साफ है क्योंकि मूविंग है और इतना ताजा ताजा है ना छोटू, साफ पानी है। ये क्या बोलता है बेवकूफ, मजेदार। अभी हम आरू वैली से निकल गए और अभी हम पहुंचे पहलगाम, और पहलगाम में हमने बंदर देखे, हमने बंदरों के लिए केले लाए थे, अभी हम बंदर को केले खिलाएंगे, बहुत मजा आएगा। यस बंदर हमें आ गया, ले बंदर भाई, क्या हाल है बंदर भाई, कूड़ा पकड़, तू मत अटैक करेगा सर पे वहां से। ओ बंदर भाई तेरे लिए केला लाया, आजा केला का, आजा केलो ही ले, फहीम 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 मम्मे मुझे नहीं। And cinnamon and masala and the dates give it a sweet smell. Mazedar. Chalo mujhe bhi de, mujhe bhi dena hai Fahim. Oi mujhe bhi dena hai badtameez. Oi kya hai iske paas? Mujhe dena tha na.
अरे इधर इधर ये सामने देख, कैच मार कैच, हाथ मत दे ओए, ओ तेरी साला भाग गया। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी शक्लें भी बहुत मिलती जुलती है। मैनू किसी दे दिल नाल खेलने दा शौक नहीं, एक बारी दिल देके देके आए बहुत नहीं, पर जुल्फा तेरी काली टकली नहीं, तू मुछ तेरी काली, बगीस बंडपुर अच करत गंड चोर, बगीस बंडपुर अच करत गंड चोर, तोर थक दिल बगार सारे दीवारों पे, नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा, नाम तेरा। तो फ्रेंड्स अभी हम आए अनंतनाग में, पेट्रोल पंप के ऑपोजिट है हम यहाँ पे, इंडियन ऑयल, और हम कुछ खाने के लिए रुके थे, और फहीम ने मुझे बोला, ऐसा कोई फ्रेंड है उसने मुझे बोला यहाँ पे सेल बहुत खतरनाक चल रही है, बढ़िया सेल, जबरदस्त सेल चल रही है, और मुझे राइस कुकर लेना है, तो आइए चलते हैं, और यहाँ पे पेट्रोल पंप के ऑपोजिट है यहाँ पे डिस्काउंट माफिया, तो चलिए चलते हैं, और सेल अप टू 90%, ओह इसने भी शॉपिंग किया वहाँ से, सेल अप टू 90% है, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे सेल पे, अगर बराबरी आई रेट में तो लेंगे कुछ राइस कुकर। और राइस कुकर से मुझे याद आया, मैंने सुना है, मैं बोल नहीं रहा हूँ अपने गारंटी के साथ, मगर मैंने सुना है मेरे साथ जो क्लासमेट्स पढ़ते थे ना कॉलेज में, मुझे बोलते थे हम राइस कुकर को बत मोटर बोलते, क्या ये सच है, अनंतनाग वाले कमेंट करो बत मोटर बोलते हैं या नहीं है। और चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक असल पेट से ठीक। तो मैं उस राइस कुकर रख जरा। हां ठीक था कुछ पे। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? नहीं ऐसा है कि मैं आपको वो चीज खाऊंगा जिसमें आप बिल्कुल बतख भी पका सकते हो और चावल भी पका सकते हो। मैं वीडियो में ले सकता हूं आपको? हाँ श्योर भाई ना। थैंक यू। इतना ही नहीं कि अभी कुर्बानी का सीजन आ रहा है, आप इसमें पूरा भेड़ पका सकते हो, वो मसला नहीं है। चावल कुछ भी, ये हमारा मल्टी कुकर है। ओके। इसके साथ 100 रेसिपी इसका मैनुअल बुक भी आता है। ठीक ठीक। और वाईफाई कनेक्टेड है। वाईफाई कनेक्टेड? बिल्कुल। मॉडर्न राइस कुकर जी। ओके ओके। इसमें आप चावल बतुक कुछ भी पका सकते हैं। मैं ये चेक कर सकता हूं? हां व्हाई नॉट श्योर। ठीक। मतलब ये मल्टीपर्पज है, राइस कुकर भी और बाकी चीजें भी। उसी ले लाना था मुझे असल में, एल्युमिनियम का डॉक्टर ने बोला है थोड़ा गड़बड़ी होता है तो। जी। इसका क्या रेट होगा? इसका होगा आपको 7,200 में पड़ेगा, 9,600 इसका प्रिंट है, इसका डिस्काउंट 25% अमेरिकन ब्रांड है ये। अच्छा ठीक ठीक। 7,200 जी। तो गाइज अभी मैंने राइस कुकर पैक करा लिया, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस वक्त एयर फ्रायर जो है मुझे बहुत दिनों से लाना था, और मैं ढूंढ रहा था हैवल्स का, और इनके पास है, और ये बोल रहे इनको 50% का डिस्काउंट है। वही सर, 50% का डिस्काउंट है हैवल्स पे। 16,095 रुपीस का प्रिंट है। ओके ओके। और हम आपको दे रहे हैं 8,050। ठीक ठीक ठीक। और एक्स्ट्रा ईद ऑफर 2% और डिस्काउंट हमारा। ओके। तो फ्रेंड्स अभी मैं स्टोर पे, और मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे फैंस है मेरे, इनसे सेल्फी लेने आए, तो आइए इनसे सेल्फी लेते हैं, बहुत टाइम से मेरा वेट करें यहाँ पे, तो आइए फैंस के साथ सेल्फी लेते हैं। देखिए कितने सारे फैंस हैं। सर जी ये वो फैंस हैं जो सेल्फी लेने के, वो फैंस हैं जो गर्मी में हमें हवा दे रहे हैं, गर्मी में राहत की ठंडक की हवा दे रहे हैं। तो हमारे इस पे असर हैवलेस के फैन है, क्रॉम्पटन के है सर। अच्छा। और ओरिएंट के फैन है सर। ओके। बड़ी रेंज की, सारी रेंज की। इन पे भी डिस्काउंट है? सब पे डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट। ठीक ठीक ठीक। आप यहाँ पे गिफ्ट भी भेजते हो? सर बेसिकली ये गिफ्ट नहीं है। अच्छा ठीक। ये हमारा ईद ऑफर है, ईद स्पेशल ऑफर, जो हाईएस्ट बिल वैल्यू होगा, फर्स्ट हाईएस्ट बिल वैल्यू। अच्छा ठीक। उसके लिए हमने रखा है ये फर्स्ट प्राइस 4,000 रुपीज का, जो ज्यादा शॉपिंग करेगा सबसे, इसका हाईएस्ट बिल वैल्यू होगा फर्स्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर सेकंड नंबर पे आएगा ये है 23,500 रुपीज का प्राइस। अच्छा सेकंड प्राइस क्यों है बड़ा फर्स्ट प्राइस है?
ये वो बड़ा क्यों है फिर इससे अगर वो सेकंड है? गुस्सा मत चढ़ाओ। थर्ड प्राइस सर 16,000 रुपीस का। अच्छा ठीक। और फिर ये जो तीन है ये लकी ड्रा के है। ओके ओके, तो जो लकी ड्रा में निकलेगा वो। चलो ठीक। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ से ये दो चीज़ें लाई, बहुत अच्छी रेट्स पे मिली। अगर आपको भी लाना होगा तो आप भी लाना। अभी चलते हैं हम सीधा घर। दिल से शरारत लग गई, वही लत लग गई, लग गई मुझे उसकी लत लग गई, लग गई। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे टोल कर रहे हैं फास्टैग के थ्रू, और अगर आपको यहाँ पे 25 सेकंड से ज्यादा लगेंगे ना कभी, तो फिर आप इनसे केस कर सकते हो और आपको अपना रिफंड भी मिलेगा। ठीक है, और वो रिफंड आपको अगले 50 साल में मिलेगा। पर एज अ लॉयर मेरी ड्यूटी थी, आपको बोला था, मैंने बोल दिया, इग्नोर करो। गाइज अभी हम पहुंच गए हैं डल गेट और हम घर पहुंचने वाले, लेकिन मेरी नज़र इस वैगनार पे जा रही है जिसके पीछे डिक्की में इतनी सारी नाठिन है। तो मैं इस गाड़ी वाले से दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर तो प्लीज़ ये नाटिन मुझे दे दो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दे दो प्लीज़। अब आ गया। तो फैमिली अभी घर आ गए और बहुत ज़्यादा थक गए, पूरा गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, और मुझे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी, बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करनी है। तो मिस नहीं करना उस व्लॉग को। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।